अब इस टॉपिक पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस देखेंगे। स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स जो हैं, उनको हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने के लिए और फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जिंक को यूज किया जाता है गैल्वनाइजिंग के लिए, मतलब आयरन के ऊपर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। जो आयरन है वो रस्ट हो जाता है बहुत इजीली, सो उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा दी जाती है जिसकी वजह से रस्टिंग प्रिवेंट होती है। क्रोमियम और निकल मेटल्स जो हैं, उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है और स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल को यूज करते हैं। जो लिक्विड मेटल मर्करी है वो थर्मामीटर बनाने के लिए यूज होता है, और जो लेड मेटल है उसको कार की बैटरीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। दीज वर सम यूजेस ऑफ मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के यूजेस देखते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसको रॉकेट के फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, उसको अमोनिया बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, इनको एक्सप्लोजिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। सल्फर को एज अ फंगीसाइड और गन पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सल्फर जो है एंटीसेप्टिक होता है। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में और ड्राई सेल्स में उसकी इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं क्योंकि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो दीज वर सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इनके अलावा भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस एंड ऑफ द एरियाज इन विच वी कैन यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनमें से कुछ यूजेस अभी हमने डिस्कस किए।